और सभी के सभी दांत है ना गोल्ड के हैं भाई। यहाँ पे एक्चुअली एक मिथ वजह से वो कई बार पुलिस को ब्राइब भी देते हैं ताकि भाई उनका मेंटेन रहे, यहाँ पे कोई परेशानी ना हो पुलिस की तरफ से। एक्चुअली भाई हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हॉस्पिटल कहाँ लग रहा है मुझे, हॉरर मूवी की साइट ज़्यादा लग रही है ये। दिस इज फ्रॉम एनी एंगल दिस इज हॉस्पिटल। राम राम जी सारे ने भाई। अभी फिलहाल भाई सासा की मम्मा ने ये बनाया है हमारे लिए, थोड़ा गरम गरम सूप, सूप बोलते हैं इसको यहाँ पे, और चना और आलू, चना आलू गाजर गाजर और इस चीज से बनाता है। और ये है अचार यहाँ पे, ये लहसुन का अचार है भाई। अभी हम डे टाइम का लंच कर रहे हैं ये, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सूप बनाए जाते हैं ताकि भाई बॉडी को गर्म रखा जा सके, क्योंकि वेदर यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। थोड़े दिन में यहाँ पे बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर माइनस में भी जाएगा टेम्परेचर। तो इसके लिए यहाँ पे यू करते हैं कि सूप, जो वेजिटेरियन होते हैं वो सूप वगैरह हुए और कुछ हुए इस चीजों को ज्यादा खाते हैं। यहाँ पे लहसुन का भी यही कारण है क्योंकि गर्म होता है लहसुन, और उसकी वजह से यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं ऐसे अंदर में। एक्चुअली भाई ये वाला है ना जो वाटर है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सासा ले गया ये अभी। अगर किसी को स्टमक प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम है ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, 2 दिन तक ही टिकता है अगर ओपन कर लिया तो। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, आगे ब्लॉग आएंगे ना उनमें दिखाऊंगा। यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज है इस वाटर की, और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ इस वाटर को पीने के लिए। अभी हम दूसरी सिटी में जा रहे हैं। विच सिटी वी गोइंग? किस्लावोस्क। दिस इज इन हिल एरिया एंड दिस इज वेरी फेमस फॉर मिनरल वाटर दैट आर गोइंग फ्रॉम इनसाइड रॉक्स। ये वाली ट्रेन जाने वाली है भाई किस्लावोस्क। सो यहाँ पे है ना एक बार चेकिंग नहीं होगी, 2 से 3 बार चेकिंग होगी चलते चलते। तो बोल ली है कि अपनी टिकट अपने पास रखियो, थैंक यू मत बिल्कुल। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है भाई ट्रेन है। Remember last time we took this underground bus and now under reconstruction area. I didn't remember anything. एक्चुअली भाई ये है यहाँ पे टूरिस्ट एरिया, और सेम एज इट इज है जो ऋषिकेश वाला एरिया है। यहाँ पे लोग दिल्ली आते हैं और फिर भाई चेंज होते रहते हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक चेंज होती रहती है। यहाँ पे एक फिक्स पब्लिक नहीं है। और दूसरी यहाँ पे सासा बता रही है कि समर टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है भाई। दिस वन दिस इज अमेजिंग, थोड़ा अमेजिंग है भाई, अलग टाइप का है। थोड़ा यूँ लग रहा है जैसे है ना भाई कुछ वो पुरानी वाली मूवी होती हैं जैसे विलेन वाली, वैसे वाले लग रहे हैं यहाँ पे। सासा की मोम है वो मोबाइल भूल गई घर पे, और हमें वाईफाई चाहिए अब, क्योंकि सासा ने अभी तक सिम कन्वर्ट नहीं करवाई है। यहाँ पे सिम बाय करनी पड़ेगी एक्चुअली, क्योंकि सासा काफ़ी टाइम से इंडिया में रह रही है तो यहाँ पे सिम वो बंद हो चुकी है इसके वाली, तो हमें न्यू वाली सिम बाय करनी पड़ेगी। तो शायद हम टुमारो बाय करेंगे इसको, लेकिन हमें वाईफाई चाहिए प्रॉपर तरीके से ताकि हम कुछ देख सकें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। एक्चुअली भाई हम यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह कर रहे हैं ताकि भाई थोड़ा एनर्जी आ जाए।
क्योंकि है ना सबकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है अभी, और मैं मेरे साथ ये थोड़ा थर्मस में चाय वगैरह लेके आया हूँ, थोड़ा ये लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बिग प्रॉब्लम है कि हर जगह एग वाला कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमेशा मैं यूँ ही करता हूँ रसोई में कि घर से बना के लेके चलता हूँ हमेशा। एक्चुअली भाई अभी हम यहाँ पे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे टेस्ट होने वाले हैं, और मेडिकल वाले जो टेस्ट होने वाले हैं तो उसको कोई आर्मी पर्सन लेगा। तो अभी हम वहाँ पे जाके पूछने वाले हैं कि आज वो वर्क करते हैं, क्योंकि आज संडे है, और अगर वर्क करते मिले तो मैं टेस्ट दे दूँगा आज ही, अगर नहीं करते मिले तो हमें अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, नहीं करवाना है, किस टाइम आना है। ओके ओके फाइनली okay. I don't know where they put us. This is hell. Seriously. I don't like anything now about my country. Actually भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मिनरारी बोदी में इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी यहाँ पे करीबन 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम यहाँ पे पहुँचे और यहीं पे टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे टेस्ट देने के बाद दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई, क्योंकि ना हॉस्पिटल वहाँ पे भी हैं, गवर्नमेंट के हैं, सब कुछ है, लेकिन वो स्पेसिफिक वाले में चाहते हैं कि इसी में हो टेस्ट वगैरह जितने हो। हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के ब्याप पे मेरा कार्ड बनेगा, और यहाँ पे उन्होंने टाइम दे रखा है 1 महीने का, इसी के महीने के दौरान हमें सारे टेस्ट प्रिंट करवाने हैं, सब कुछ देने हैं, फिंगरप्रिंट देने हैं, और सबमिट भी करना है, सब कुछ इसी 1 महीने के अंदर करना है। तो थोड़ा हरी कर रहे हैं ताकि भाई लेट ना हो जाए, उसके बाद फाइन अच्छा खासे वाला लगेगा यहाँ पे। एक्चुअली भाई हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल कहाँ लग रहा है मुझे, हॉरर मूवी की साइट ज़्यादा लग रही है ये। दिस इज फ्रॉम एनी एंगल दिस इज हॉस्पिटल। पीपल डोंट हैव, मेन प्रॉब्लम इज ओह माय गॉड। यहाँ पे मेंशन है भाई профилактика с СПИДом режим работы с 8 с понедельника по пятницу с 8 до 4 забор крови на анализы с 8 до 3 с 8 до 3 блин это ж во сколько надо прийти today not working I think today not working надо снять okay Saturday they also not they для оказания because this is government hospital in private hospital have then no problem any time you come but governmental they not надо узнать same as it is bhai actually government ka yahan pe wahi hal hai apne india mein jaisa hal hai bhai government se related kisi bhi country mein kuch bhi koi bhi department ho ek jaisa hi kaam hai har jagah आपको वैकेशन पे या संडे में एक परिंदा भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। दिस इज स्मॉल मार्केट और बिग वन, दिस इज सिटी वन मार्केट। हाँ सिटी वन मार्केट है। ओह माय गॉड दिस इज वेरी यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम है भाई। दिस वन विद This is inside Akrop and outside Angur juice. Okay. मुझे लगा यार ये पता नहीं किस चीज से बना हुआ है ऐसे। Angur juice and anar juice. Okay. एक्चुअली भाई यहाँ पे है ना कुछ 2 लोग खड़े थे, मुझे उन पर शक हो रहा था, तो मैंने कैमरा बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था, तो क्योंकि मुझे यूँ लग रहा था कि भाई पिक पॉकेट वाले हैं, कैमरा छीन के भागने वाले आदमी हैं लग रहे हैं मुझे। ओके वन ट्राई नो। एक्चुअली भाई यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे सूट वगैरह करते हो तो मना करते हैं हमेशा। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि है ना यहाँ पे वर्कर आते हैं अनदर कंट्री से, जैसे उज़्बेकिस्तान हो गया और आर्मेनिया हो गया, उज़्बेक हो गया, कजाक हो गया, तो यहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक वीज़ा ज़रूरी नहीं है, कितने दिन भी यहाँ पे रह सकते हो रसिया में।
लेकिन वो वर्क नहीं कर सकते, तो वो इलीगली वर्क करते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए कुछ भी करते हैं, वही ब्राइब भी देते हैं पुलिस को काफ़ी। यहाँ पे आते हैं, इलीगली काम करते हैं, इलीगली का मतलब है या कुछ भी अपना खुद का कुछ भी सब्ज़ी का काम कर लिया और मसालों का कुछ भी काम कर लिया, तो वो हाइड करने की कोशिश करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, ताकि भाई कल को प्रॉब्लम ना हो वीज़ा से रिलेटेड कुछ भी। और इसी वजह से वो कई बार पुलिस को ब्राइब भी देते हैं, ताकि भाई उनका मेंटेन रहे यहाँ पे, कोई परेशानी ना हो पुलिस की तरफ से। तो वो इसलिए कैमरे के सामने आते हैं, तो वो हमेशा यूँ कहते हैं कि भाई बंद कर ले इसको, बंद कर ले, इसलिए वो भागते हैं हमेशा। भाई यहाँ पे है ना, ये जो कौन है थोड़ा अलग टाइप का है भाई, अपने इंडिया वाले बेटर हैं। भाई पूरे रसिया से यहाँ लोग आते हैं इस सिर्फ इस पानी को पीने के लिए, क्योंकि इस वाटर में कुछ कंटेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी के लिए यहाँ पे लोग स्पेंड करते हैं कुछ टाइम के लिए, और हर रोज़ यहाँ पे आते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का जो ये पानी है, अलग अलग कैटेगरी का पानी है भाई यहाँ पे सभी। दिस इज़ डिफरेंट डिफरेंट ऑल आर Doctor decide which one you take, mm-hmm. because some very helpful for kidney, some very helpful for stomach, some very helpful for joints, for something else. Mm-hmm. So after you got advice from your doctor, then you come here daily and mm-hmm. you take one. Yeah. Water coming. बहुत ज़्यादा कड़वा है भाई पानी यहाँ पे, पर यहाँ पे जितने भी नल लगे हुए हैं सभी का अलग टेस्ट है बिल्कुल। Water naturally, uh-huh. and three type of water has different chemical content. अरे भाई सभी का सभी रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो सासा को पता है ये कौन से कंटेंट हैं कौन से नहीं है, तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है बॉडी के लिए कंटेंट नीड होते हैं वो यहाँ पे लिखे। अभी फिलहाल भाई हम यहाँ पे वाटर ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, मैं तो ट्राई नहीं कर रहा, सासा ट्राई कर रही है और सासा की मॉम ट्राई कर रही है, पर मुझे तो भाई बहुत कड़वा, नो 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 आई डोंट वांट, मुझे बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है। तकरीबन ये एरिया 100 साल से ज़्यादा पुराना है, और यहाँ पे है ना नेचुरल रिसोर्सेज वाटर है जिसमें कंटेंट है अलग अलग टाइप के जो बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे यहाँ पे यूँ था कि लोकल लोगों की जो उम्र थी ना 100 साल से ज़्यादा थी, तो उसी टाइम पे रिसर्च की गई थी कि किस कारण यहाँ पे लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा लंबी है, और उस टाइम गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि वाटर के कारण यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज का जो एरिया है, अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ग्लास लगे हुए हैं और थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है कैमरे में, पर यहाँ पे गैस के बुलबुले से उठ रहे हैं कुछ ऐसे ही, और अलग से दिख रहा है जैसे रस्ट हो रहा है, जैसे अपने आयरन पे रस्ट लग जाता है, जैसे जंग लग जाता है वैसे ही वाला लग रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे पूरे होल में है ना पाइप लगा रखे हैं ताकि भाई लोग आएँ यहाँ पे पानी पिएँ, और ये करीबन थेरेपी यूँ है कि भाई करीबन 1 हफ्ते तक चलती है। वो रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपकी बॉडी में ये ऑर्गन में प्रॉब्लम है, इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है और कहीं प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लोग आते हैं भाई 10 दिन का या 1 हफ्ते का ये कोर्स करते हैं। अलग अलग वोटर हैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे बिल्कुल ये इतना हेल्प करता है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते तक ट्राई किया था भाई यहाँ पे लास्ट टाइम पे जब मेरी प्रॉब्लम हुई थी, स्टामक प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने ये यहाँ पे 1 हफ्ते तक ट्राई किया था और थेरेपी चली थी उस टाइम पे भाई, स्टामक इतना बेस्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया था। और यही कारण है कि यहाँ पे है ना लोग इतने ज़्यादा आते हैं, पूरे रशिया से लोग आते हैं भाई यहाँ पे। यहाँ पे अभी क्यू लगी हुई है, लोग यहाँ पे ग्लासेस बाय कर रहे हैं, ग्लासेस बाय करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो हैं नल हैं भाई, उनके पास जाएंगे, वहाँ से वाटर ड्रिंकिंग करेंगे, और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है भाई ऐसे। सासा भाई यहाँ पे मुझे पूरी सिटी दिखा रही है कि कैसी ये सिटी है। यहाँ पे इसकी मोम का बर्थ हुआ था, तो इसकी मोम ने यहाँ पे स्टडी वगैरह की थी, उसके बाद हायर स्टडी के लिए सेंट पीटर्सबर्ग चली गई, उसके बाद वहीं पे सेटल हो गई और वहीं पे सासा का बर्थ हुआ था। पर बचपन में यूँ है कि यहाँ पे आती रहती थी अपनी दादी के पास। पर अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं भाई यहाँ पे फ्लावर वैली है रशिया की, दिस इज रशिया बिगेस्ट फ्लावर वैली, यस इन रशिया बिगेस्ट गुलाब गार्डन। हाँ ओके, गुलाब है
इस पूरे एरिया में यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे गुलाब ही गुलाब हैं, और हर क्यारी में है ना डिफरेंट टाइप के गुलाब हैं भाई यहाँ पे, और हर किसी का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ना फेस के साइड में अगर मैं ब्लॉग बनाता हूँ यहाँ पे तो है ना अच्छा नहीं आता भाई, क्योंकि ना शैडो आती है और भाई एकदम से सन आता है तो है ना डार्क आ जाता है बिल्कुल, तो उस वजह से है ना ब्लॉग प्रॉपर तरीके से जा नहीं रहा आज, पूरा दिन यू ही मूड ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत प्लेसेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन है ना कैमरे से प्रॉपर तरीके से कैप्चर ही नहीं हो रहे भाई। यहाँ से दिखती है भाई पूरी की पूरी वैली, वहाँ पे हम अभी थे जहाँ पे मैं बता रहा था कि गुलाब के फूल वगैरह हैं जो कैटेगरी हैं अलग अलग, और यहाँ से पूरा ये व्यू दिखता है भाई, और यहाँ से लेके वहाँ तक है ये, हम वहाँ पर थे जो लास्ट में आपको वाइट वाइट जो बिल्डिंग दिख रही होंगी वहाँ पर थे, और वहाँ से आपको चल के आना पड़ता है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, और ये क्रॉस करके पूरा सिटी क्रॉस करके आना पड़ता है इस तरफ, तभी आपको इसको व्यू को देख सकते हो। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन अभी यूँ है कि भाई यहाँ पे अभी फ्लावर इतने आए हुए नहीं है, शायद विंड की वजह से और शायद भाई ठंड और मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे तो पूरी की पूरी वैली फ्लावर से इतनी खिली हुई थी ना, बहुत अमेजिंग लग रही थी भाई। शूटिंग पीपल्स, अभी भाई मेरे पीछे जो बुजुर्ग चल रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं और सभी के सभी दांत है ना गोल्ड के हैं भाई, यहाँ पे एक्चुअली एक मिथ है कि आपके अगर दांत गोल्ड के होंगे तो आप सुपर हो यहाँ पे भाई, आप रिच हो, ऐसा कुछ मिथ है यहाँ पे। पूरा ये पार्क है ना लाल मिट्टी का बना हुआ है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये मिट्टी के पहाड़ हैं भाई यहाँ पे सारे के सारे, और ये सभी के सभी लाल कलर के हैं यहाँ पे। Somebody make here. ऐसा लग रहा है जैसे ना मिट्टी को भट्टी में डाल दिया और उसके बाद ईंट का पत्थर बन गया, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। इस पार्क में मेनली लोग संडे को या वैकेशन में या गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं, और उनका आने का एक ही रीज़न है, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है, और जिसको पीने के बाद आपके ऑर्गन और आपकी लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है, तो उस पर्पज़ से यहाँ पे लोग आते हैं और थेरेपी लेते हैं एक हफ्ते की, 10 दिन की, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी के और स्टामक प्रॉब्लम है, मेनली स्टामक रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड होता है ये सब कुछ वाटर, और यहाँ पे लोग आते हैं उसको थेरेपी के रूप में लेते हैं एक हफ्ते के लिए और 10 दिन के लिए, जो डॉक्टर डिसाइड बताता है रिपोर्ट के हिसाब से। तो यही है भाई, मैं एक्चुअली भाई मैंने भी मेरे स्टामक के लिए यही थेरेपी अप्लाई की थी लास्ट टाइम, जब मेरा स्टामक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और मैंने वहाँ से मिलानीबोदी के पास जो सिटी पड़ती है, कुछ मुझे ध्यान नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ पे मैंने एक हफ्ते तक ये पानी पिया था, वहाँ पे 3 या 4 टाइप के पानी थे, उनमें से 2 टाइप के मुझे डॉक्टर ने बताए थे, वो मैंने एक हफ्ते तक पिए थे, लेकिन उस पानी में एक चीज़ मैंने देखी थी कि आप है ना उससे को मैंने बोतल भर के ले आया था उसको, और मैं जब सुबह उठा तो उसका है ना कलर बिल्कुल जंग जैसा हो गया था, जैसे है ना लोहे के जंग लग जाता है वैसे वाला कलर हो गया था पूरा, तो यानी है ना जब आप निकालते उस वाटर को उसमें से टुट्टी में से तभी परफेक्ट है, वाइट कलर का आएगा, उसमें से झाग निकलेंगे जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक और कोला और पेप्सी उनको डालते हैं तो एकदम से झाग निकलते हैं, तो वैसा ही एज इट इज़ था, पर वो रख नहीं सकते भाई काफ़ी टाइम के लिए, इसीलिए लोग आते हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं भाई, बहुत ब्यूटीफुल है एरिया ये, पर इतना ज़्यादा सूट नहीं कर पाया, जो अभी दिख रहा होगा शैडो आती है एकदम से चली जाती है, तो उस वजह से है ना यहाँ पर सूट नहीं कर पा रहा यार मैं प्रॉपर तरीके से, जो मुझे कंटेंट चाहिए एक टाइप का वो कंटेंट मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सनलाइट है ना डिफरेंटली रिएक्ट करती है, एक कोई भी अगर एरिया आ गया मैं उसको कवर करना है तो वो बिल्कुल डार्क में चला जाता है बिल्कुल, और अभी थोड़ा हाँ श्याम हो चुकी है यहाँ पे, तो इस वजह से यूँ है कि थोड़ा अच्छा खासा व्यू आ रहा है, और यहाँ पर देखो भाई सनलाइट अभी भी ऊपर की तरफ है यहाँ पर, तो एक ही साइड में रहती है सनलाइट, तो आपको है ना हर बार एक लोकेशन ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे आप बात कर सको कैमरे के साथ और प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं, तो यही चीज़ है भाई यहाँ पे। दिस इज़ ओके,